एक ओर राहुल गांधी हर मंच से मोदी सरकार के ऊपर उद्योगपतियों को समर्थन देने का आरोप लगा रहे हैं, तो दूसरी ओर यूपीए शासन के दौरान हुए घोटाले सामने आ रहे हैं। इस बीच जम्मू एंड कश्मीर बैंक का एक बड़ा घोटाला सामने आया है। बैंक ने नियमों को धत्ता बताकर राइस एक्सपोर्ट इंडिया एग्रो लिमिटेड को फर्जी दस्तावेज के आधार पर 800 करोड़ रुपए का लोन दिया, जो बढ़कर 1100 करोड़ रुपए का हो गया, और आरईआई एग्रो लिमिटेड के चेयरमैन संजय झुनझुनवाला सहित 22 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। लेकिन इसके तार कई बड़े राजनेताओं के साथ जुड़े होने की संभावना है। ये पूरा मामला साल 2011 से 2013 के बीच का है। कंपनी ने लोन नहीं लौटाए और ब्याज सहित ये रकम 1124 करोड़ रुपए हो गई। साल 2014 में इस रकम को एनपीए घोषित कर दिया गया, जिसके बाद इसकी जांच शुरू हुई और पूरा घोटाला सामने आया। ध्यान रहे कि साल 2011 से 13 के बीच यूपीए की सरकार थी। सरकार की नाक के नीचे ये पूरा घोटाला होता रहा, लेकिन तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह मूक दर्शक बने रहे। लेकिन आज कांग्रेस मोदी सरकार के ऊपर अमीर उद्योगपतियों को पैसा देने का आरोप लगाती है। राहुल गांधी बैंकिंग सेक्टर के धराशायी होने की बात करते हैं, लेकिन राहुल गांधी ये बताना भूल जाते हैं कि आज की स्थिति के लिए यूपीए सरकार जिम्मेदार रही है, जिसके कारण आज बैंकिंग सेक्टर तबाही की कगार पर है।